जुबैदा जी, आपकी शादी कब हुई थी और किनके साथ हुई थी? 35 साल हो गए और इन हमारे खालाजाद भाई हैं ये, जावेद के साथ हुई थी। जब हिंदुस्तान में आप वो बनकर आई जी, तो किस तरह का माहौल था यहाँ पर? सही था, ससुराल में तो जैसे घर का सा माहौल होता है वैसे ही था। खाला के यहाँ आई थी मैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई थी मुझे। अभी आपको 35 साल बाद नागरिकता मिली हिंदुस्तान में जी, तो इसकी वजह क्या रही है? कितने साल क्यों लगे आपके, क्या वजह थी? ये वजह तो वही लोग जाने, क्यों नहीं दी उन्होंने। तो इस बीच आपने 35 सालों में कितने जो सरकारी दफ्तर हैं उनके चक्कर काटे होंगे? हाँ, चक्कर काटे, लखनऊ भी गए, दिल्ली भी घूम गए इतनी दफ़ा। एक दफ़ा जाना था मुझे, बहुत ज़रूरी था जाना, जा ही नहीं सकी मैं। अच्छा ही महसूस कर रही हूँ कि अब परेशानी जो थी वो ज़रा कम हो गई, हो जाएगी। अब मालूम नहीं, वो तो आगे जाके पता चलेगा कि क्या होगा। पाकिस्तानी नेशनल जुबैदा बेगम थी, 85 में इनकी शादी हुई थी इंडिया में। इंडियन नेशनल थे मिस्टर जावेद, उनके साथ में इनकी शादी हुई थी मुजफ्फरनगर में, योगिंद्रपुरी में वो रहते हैं। 94 में इनके द्वारा नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया गया था। उसके बाद में 7 साल जब इनको LTV पे हो जाते हैं, उसके बाद में नेशनलिटी का प्रोसेस वो होता है। तो इनके चाल चरण के बिहाफ पे इनको लास्ट वीक नेशनलिटी, इंडियन नेशनलिटी दी गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो नहीं, 35 साल नहीं, 94 में इनके द्वारा अप्लाई किया गया था। उसके बाद में फिर कुछ साल तक इनको देखा जाता है, वॉच किया जाता है, क्योंकि इंडियन नेशनल होते हैं, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या हमारे इंडियन लॉ को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, इनके चाल चलन पर नज़र रखी जाती है। उसके बाद में जब इनका सब ठीक होता है तो इनको LTV दी जाती है। जब LTV 7 साल की हो जाती है, उसके बाद में नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद में फिर इनको नेशनलिटी दी जाती है।